हेलो नमस्कार दोस्तों, 23 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और फेसबुक के पेज पे, तो आई होप आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। हिंदी और दोनों इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले जो आज आर्टिकल आया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, काफी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। GS3 से रिलेटेड आर्टिकल है। देखो उस आर्टिकल में सबसे पहले ये बात की गई है कि भाई इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में किस तरीके से स्टेप उठाने चाहिए, क्यों इंडिया को जरूरत है। तो सबसे पहले आर्टिकल में स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि 2030 तक का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इंडिया में लाए जाएंगे। फिर बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में जिस प्रकार 2G और 3G थी ना, वो तो काफी लेट आई थी, तो इंडिया को अब इंडिया के पास काफी अच्छा मौका है कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरिया में बाजी मार ले। क्योंकि जिस प्रकार देखो अभी गवर्नमेंट है वो 5G पे पहले से 5G का गवर्नमेंट ने टारगेट रख लिया कि भाई इस बार जल्दी लेकर आना है। मतलब विदेशों में जिस तरीके से 5G आएगा उसी तरीके से इंडिया में तुरंत जल्दी आ जाएगा इस बार 5G। तो उसी तरीके से इस बार इंडिया को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में पहले ही बाजी मार लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाद में बचा कुचा इंडिया को हासिल हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि देखो भाई इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरिया में आगे क्यों बढ़ना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए, व्हाई वी नीड। तो सबसे पहली बात यह आती है कि भी लैंसेट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ के ऊपर रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में उस जो आंकड़े हैं वो काफी आश्चर्यजनक है इंडिया के लिए। उस रिपोर्ट के आंकड़े ये कह रहे हैं कि भाई जो इन टोटल पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन से डेथ हो रही है ना, उनकी संख्या है 6.5 मिलियन। मतलब 6.5 मिलियन लोगों की डेथ है वो एयर पोल्यूशन से हो रही है हर साल पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से 1.1 मिलियन लोगों की डेथ है ना तो अकेले इंडिया से हो रही है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इंडिया में एयर पोल्यूशन से लोगों की डेथ हो रही है। अब देखो ये तो बेसिक सी बात है, गाड़ियों जब चलती है उससे काफी पोल्यूशन होता है, तो वो भी एक बड़ा अहम रीजन होता है पोल्यूशन के लिए, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, काफी जहरीली गैसें वो बाहर निकलती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसी के साथ बाद में एक डाटा और आता है, वो है WHO की अर्बन एयर क्वालिटी रिपोर्ट। उसमें ये डाटा सामने आता है कि भाई पूरे वर्ल्ड की जो टॉप पोल्यूटेड 10 सिटी है ना, उसमें से 4 तो इंडिया की है, और रही बात 20 सिटी जो देखते हैं तो 20 में से 10 सिटी है वो इंडिया के थे। तो आप देख सकते हो तो किस तरीके से इंडिया वो पोल्यूशन में लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब पोल्यूशन इंडिया में अपना एरिया वो फैलाता जा रहा है। तो इन सारी पॉइंट्स को अगर हम फोकस करते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हमें फोकस करना होगा। इसके साथ जो बच्चा कुछ पोल्यूशन है वो इंडस्ट्री से होता है। इसके साथ एग्जांपल ऐसे तो दिल्ली में किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, अर्बन हीट इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन है, वो सारे रीजंस भी है। बट जो मेन पोल्यूशन होता है वो होता है गाड़ियों के एमिशन से, जो गाड़ियों में इंजन होता है उन इंजन से काफी एमिशन है, काफी पोल्यूशन है वो होता है। तो उसकी वजह से ही हमें जरूरत है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस करें। तो अब यहाँ पे बात आती है, राइटर कहते हैं कि हमें किस तरीके से स्टेप उठाने होंगे, कैसी हमारी स्ट्रेटजी वो रहेगी, उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करना तो सबसे पहले इंडिया को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज करना होगा। अभी इंडिया में डीजल वाली गाड़ियां चल रही हैं वो भी काफी पुरानी, इवन BS2 और BS3 की गाड़ियां चल रही है। तो अभी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो उन सारी गाड़ियों को हटाना होगा, नई इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना होगा, पूरे बड़े लार्ज स्केल के लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो करना होगा। तो मतलब बात यह है राइटरी करें कि देखो मेहनत एक बार करने की जरूरत है, जिस प्रकार घर वाले कहते हैं ना कि बेटा एक बार पढ़ लो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम वही बात है कि एक बार की मेहनत है उसके बाद में इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। मतलब लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट होगा, बस कुछ सालों की ये मेहनत है जिसमें इंडिया को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और बहुत सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा रिसर्च है वो भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो अभी जिस तरीके के डाटा है ना उनसे साफ साफ ये पता चल रहा है कि भाई इंडिया को बहुत सारे स्टेप उठाने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, प्रॉपर प्लान वगैरह बनाने होंगे। तो वो सारे हम मॉडल यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हमें नए सारे स्टेप है वो उठाने होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वो देखने वाले हैं। तो इसी के साथ देखो एक दो पॉइंट और भी दिए गए यहाँ पे कि नीति आयोग ने भी एक अपनी रिपोर्ट की थी। नीति आयोग ने कहा था कि अगर इंडिया टाइम पे ही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आ जाता है तो उससे इंडिया अपने 4 लाख करोड़ रुपए वो बचा सकता है। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से इंडिया को फायदा हो सकता है, और इन्हीं 4 लाख करोड़ रुपए को फिर इंडिया दूसरे सेक्टर में यूज कर सकता है, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और इंडिया में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे सबसे पहली बात है कि एनर्जी के मामले में हमें सोचना पड़ेगा और उस मामले में हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी सिक्योरिटी में हमें आत्मनिर्भर होगा, मतलब हमारी दूसरी कंट्रीज पर जो निर्भरता ना वो कम हो जाएगी, और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी देखो पेट्रोल वगैरह के लिए हमें वेस्टर्न जो मतलब मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उन पर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। तो अभी अगर गवर्नमेंट निर्भर मतलब भी अगर इंडिया है वो एनर्जी सिक्योरिटी अपनी सिक्योर कर लेता है तो अपनी निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे इंडिया का फिजिकल डेफिसिट है वो भी बहुत मात्रा में कम हो जाएगा।
अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे कैसे स्टेप डालेंगे। तो देखो राइटर ये कह रहे हैं हमें 5 पॉइंट की स्ट्रेटजी वो लेके आनी होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उनको एक साथ आना होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये नहीं है कि केवल एक मिनिस्ट्री वो सामने आएगी, हेवी इंडस्ट्री वगैरह ऐसा नहीं है। इसके लिए हेवी इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री वो आएगी, इसके साथ अर्बन हीट जो अर्बन अर्बन एंड रूरल एरिया की जो मिनिस्ट्री वो साथ आएगी, इसके साथ में बाकी जो मिनिस्ट्रीज है नीति आयोग है वो भी साथ में आएगा। तो मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है वो यहाँ पे आपस में कोलाबरेट करेंगी, तभी ये सारा कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होगा। एमएसएमई जो मंत्रालय वो भी साथ आएगा। इसके बाद में बात की आती है कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आता है कि इंडिया को अपना विजन है ना वो क्लियर रखना होगा कि भाई हमें इस तरीके से तो काम करना है, पहले ये पूरा रोड मैप है वो बनाना होगा और ऐसे ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए मैं यहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। मतलब पूरा रोड मैप क्लियर करना होगा, प्रॉपर वे में प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हमें स्टेप उठाना होगा। ऐसा नहीं है कि आनन फान में कोई स्टेप उठा लिया और उसके बाद हमारा काम बीच में लटक जाए। इसके बाद देखो अगला पॉइंट ये आता है कि जिस प्रकार चाइना था ना, चाइना ने क्या किया था, चाइना ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरिया में बसों पे फोकस किया कि भाई बस वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उन्होंने पब्लिक बसों पे फोकस किया और इसीलिए आज जैसे चाइना है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बसें वो प्रोड्यूस करता है। तो देखा था मतलब चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरिया में बाजी मारी। इसके बाद में बात आती है नीदरलैंड की, नीदरलैंड थे उसने क्या किया, नीदरलैंड ने चार्जिंग के एरिया में बाजी मारी। मतलब नीदरलैंड ने हर जगह चार्जिंग के पोर्ट है वो अवेलेबल कराए, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि चार्जिंग की जरूरत होगी। अभी ये तो यानी कि पेट्रोल डीजल चलेंगे उनमें, तो जगह जगह चार्जिंग के पोर्ट भी होने चाहिए ना, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो नीदरलैंड की जो चार्जिंग की फैसिलिटी वो बहुत अच्छी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में पूरे वर्ल्ड में, तो मतलब नीदरलैंड ने इस चीज पे फोकस किया। अब बात यहाँ पे आती है इंडिया के लिए, तो फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया को टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा की चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया में ज्यादा सक्सेसफुल है और ये लो बजट वाला काम भी है। तो मतलब इंडिया के पास जितना फंड है उसका भी यूज हो जाएगा और इंडिया का काम वो भी हो जाएगा। तो इंडिया को अपने अकॉर्डिंग बाजी मारनी होगी, ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना के मॉडल को फॉलो करे या नीदरलैंड के मॉडल को फॉलो करे। इंडिया को देखना होगा कि भाई हमारी डिमांड क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या हमें बेनिफिट होने वाला है और किस तरीके से हमें आगे स्टेप उठाने होंगे। मतलब अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी होगी, दूसरी कंट्रीज को फॉलो नहीं करना है। इसके बाद में बात आती है कि बैटरी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि देखो सबसे जो अहम बात होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो होती है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूल होता है वो होता है बैटरी। तो बैटरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा, बैटरी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ जैसे लिथियम आयन बैटरी वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, तो वो अभी रिसेंटली चाइना ही मेनली एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए इंडिया को इस मामले में लिथियम आयन की बैटरी के मामले में अपनी इंडस्ट्री है उनको आगे लेके जाना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ाना होगा, मेक इन इंडिया के जो प्रोग्राम है उनमें भी बैटरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। इसरो को भी काफी सारे स्टेप रिसर्च है वो करनी होगी, ताकि बात सीधी सी है कि इंडिया दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना हो। अदरवाइज फिर इंडिया पहले तो डिपेंड था मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे पेट्रोल के लिए और अभी डिपेंड हो जाएगा चाइना पे बैटरी के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया किसी कंट्री पे डिपेंड रहे। इसके बाद बात ये आती है कि इंडिया को अटल एंड मेटल है वो भी सोचने होंगे, ऐसा नहीं कि लिथियम आयन की बैटरी, इंडिया को और भी रिसर्च करनी चाहिए और भी अगर अच्छा ऑप्शन हो सकता है उस पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि इंडिया को अपनी डिमांड है ना वो देखनी होगी कि भाई हमारी डिमांड क्या है और किस लेवल पे हम काम कर सकते हैं और हमारे लिए सस्ता भी होना चाहिए, क्योंकि देखो कॉस्ट अगर एफिशिएंसी नहीं होगा इंडिया के लिए, कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं होगी तो इंडिया को काफी सारा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों की जरूरतें चेंज करनी है, सभी लोगों की डिमांड्स वो फुलफिल करनी है, तो इसलिए गवर्नमेंट को काफी सोच समझ के स्टेप लेके आने होंगे। इसके बाद में बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल का पॉइंट ये आता है सामने कि देखो इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होने वाला है इंडिया को कि काफी सारी जॉब वो क्रिएट होंगी और हमारे देश की जीडीपी वो भी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि देखो अगर बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, नई इंडस्ट्री लगेंगी, नई मैकेनिज्म, नई मोटर्स वगैरह बनेंगी, नई बैटरी वगैरह बनाई जाएंगी, नई गाड़ियां बनेंगी, नए मोटर्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली काफी सारे वर्कर्स की जरूरत होगी, तो इसलिए काफी सारी जॉब्स वो क्रिएट होगी, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और इंडिया फिर इस मामले में लीड कर सकता है और इंडिया फॉरेन में भी गाड़ियां वो एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अभी इंडिया है वो अप्रोक्सीमेट 25 मिलियन के आसपास गाड़ी है व्हीकल्स वो प्रोड्यूस करता है हर साल। तो अगर इंडिया और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा तो ये सारी गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो फिर इंडियन का एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा और देखा जाए तो 2026 तक ये डाटा ये चल जाएगा अप्रोक्सीमेट 300 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री वो बन जाएगी। तो इसलिए इंडिया को पहले इस बार मौका मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में इंडिया लेट हो जाए। तो ये सारे इस आर्टिकल में पॉइंट दिए गए थे कि इंडिया को किस तरीके से स्टेप है वो उठाने होंगे। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आज आपको पता है फ्राइडे है तो सुप्रीम कोर्ट एक आर्टिकल है जिसमें आपको सारे पॉइंट देने होते हैं कि भाई हाँ ना वाले, तो वो सर आर्टिकल यहाँ पे देखे। क्वेश्चन आज का उसमें ही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो कावेरी नेवर के ऊपर जो डिस्प्यूट जो सोल्यूशन है ना, मतलब जजमेंट आई है वो फेयर है या नहीं, मतलब सही है या नहीं, अच्छी है या नहीं, उसके ऊपर है। तो एक मासिया कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट, दूसरे कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, और तीसरे कह रहे हैं कि नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले हाँ वाले पॉइंट देखते हैं कि हाँ वाले पॉइंट क्या है। तो देखो सबसे पहली बात इनके द्वारा की जा रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सर्वे हो रहा है, उन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन दिया, तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो कर्नाटक की हालात है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि कर्नाटक को पानी की भी जरूरत ज्यादा है और बेंगलुरु अभी आपको पता है काफी बड़ी सिटी बनती जा रही है और बेंगलुरु को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सोच समझ के डिसीजन लिया है और कर्नाटक को पानी ज्यादा एलोकेट किया है,
तमिलनाडु को पानी कम अलोकेट किया है, इसलिए वो इसीलिए किया है क्योंकि बेंगलुरु को पानी की जरूरत ज्यादा है और बेंगलुरु हमारे देश की सिलिकॉन वैली है, तो इसलिए काफी जरूरत है, मतलब वहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा जरूरत है अभी बेंगलुरु को, तो इसलिए पानी की डिमांड को देखते हुए उन्होंने इस तरीके से एलोकेशन है वो किया है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में देखो यहाँ पे राइट एक चीज ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक दो चीज है उनको नोटिस नहीं किया, जैसे कि एक इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट था ना जो एक्ट बनाया गया, इस एक्ट के अंदर काफी सारी चीजें की गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेगा तो पहले वो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनका सहारा लेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट को काफी सारी चीजों का पता नहीं होता तो उनका फायदा उठा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले निर्णय में टेक्निकल एक्सपर्ट का कोई सहारा नहीं लिया, उन्होंने खुद ही अपनी वर्डिक्ट दिया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में एक दो पॉइंट ये दिए जाते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट जैसी चीजों को फोकस नहीं किया यहाँ पे, और इसी के साथ जो अभी कावेरी रिव्यू पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तमिलनाडु और केरला में, उन तमिलनाडु और कर्नाटका में उन प्रोजेक्ट का क्या होगा, मतलब उन प्रोजेक्ट के लिए फिर वो तो बीच में पेंडिंग हो जाएंगे, तो उन सारे प्रोजेक्ट का डिसीजन है वो भी क्लियर होना चाहिए था। तो अभी ये दो तीन काम है पेंडिंग रह गए, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो जजमेंट है उसमें इन सारी चीजों को भी फोकस करना चाहिए था। अब चलते हैं अगले ना की तरफ, तो ना की तरफ इनका पॉइंट ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो फेयर नहीं है। क्यों नहीं है, ये कह रहे हैं कि देखो तमिलनाडु को पानी पहले ज्यादा मिल रहा था, अगर पानी कम दिया गया तो तमिलनाडु को भी काफी दिक्कत होगी, क्योंकि तमिलनाडु के जो किसान है वो मैक्सिमम पहले ही कावेरी रिवर पे निर्भर हो रखे थे, अगर अब इस कंडीशन में उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनका तो रोजगार है आजीविका है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। और भाई बात ये आती है कि भाई तमिलनाडु को पानी कम क्यों, तमिलनाडु की इसमें क्या गलती है, सभी रिवर्स पे सभी स्टेट्स का इक्वल हक है, तो प्रॉब्लम तो वहां भी बढ़ी हुई है, ऐसा थोड़ी है कि तमिलनाडु में प्रॉब्लम नहीं है। बेंगलुरु में तो आपने देख दिया कि भाई कर्नाटक में बेंगलुरु में पानी की जरूरत है, बट कर्नाटक तमिलनाडु में भी तो जरूरत है ना पानी की, तो वहां पे क्या होगा, वहां के किसानों के आजीविका क्या है। फिर यहाँ पे बात ही आती है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की बात आती है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई 6 हफ्तों के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है वो बनाना होगा, तो मतलब राइटर ये कह रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो 2016 में भी ये बात की थी कि भाई कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है वो बनाया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को फॉलो ही नहीं किया गया, तो उसका मतलब तो साफ साफ ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये द्वारा इनके पॉइंट द्वारा पॉइंट दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन जो मतलब वर्डिक्ट है उस पर कोई ना कोई एक्शन तो लिया नहीं जा रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो दे दिए, पहले भी 2016 में भी जजमेंट आई थी उसको भी प्रॉपर ढंग से अप्लाई है वो नहीं किया गया था। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड की तरफ, तो कॉम्प्लिकेटेड वाले पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि भाई निर्णय वो ठीक ठाक है कोई बात नहीं है बैलेंस है, पर कुछ कमी है, तो कमियों की तरफ क्या बता रहे हैं, सबसे पहली कॉम्प्लिकेटेड में कमी ये बता रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इन पे फोकस नहीं किया होगा, कि देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे इसी के साथ जो वाटर रिचार्ज जो कुएं नलकूप उनको रिचार्ज करने का वाला मेथड है बारिश वगैरह में उस चीज पे फोकस करना चाहिए, और इसी के साथ हमें नदियों के जो हालात है उन पे फोकस करना होगा कि अभी हमारे देश में नदियों के हालात है वो है कैसे, इसी के साथ उनकी हालात है उनको भी हमें चेंजेस करना होगा, क्योंकि काफी नदियों के हालात है वो खस्ता हो गए, नदियों में काफी मात्रा में गाद है वो जमा हो गई है, तो उन सारी चीजों की तरफ हमें फोकस करना होगा, और जो नदी के आसपास का जो कैचमेंट का एरिया है उसमें भी काफी सारी सिल्ट है वो जमा हो गई है, तो उनकी तरफ क्या होगा, उनकी तरफ तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाई नहीं है। इसी के साथ बात ये आ रही है कि तमिलनाडु को देखो इस चीज में लॉस हो रहा है, तमिलनाडु को लॉस ही होगा कि तमिलनाडु के जो किसान है उनको पानी नहीं मिलेगा, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे, अगर ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोइट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे तरीके का निर्णय लेना चाहिए था ताकि ग्राउंड वाटर का भी एक्सप्लोइट है वो ना हो, मतलब ग्राउंड वाटर को भी प्रॉपर ढंग से यूज किया, ऐसा नहीं कि उसका मिस यूज हो, उससे ज्यादा यूज है वो किया जाए। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना फेडरल सिस्टम है इसको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना होगा, अभी ये प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं है, ये राइटर के द्वारा दो तीन पॉइंट है वो दिए जाते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल, अगला जो आर्टिकल है वो हेल्थ के बारे में, तो इसमें मेनली सबसे ज्यादा फोकस किया गया वो क्या है, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के बारे में, मतलब जो शिशु मृत्यु दर है उस पर फोकस किया गया है, यह GS2 के लिए इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के सेक्टर में। सबसे पहले राइटर है वो शुरुआत कर रहे हैं यूनिसेफ की रिपोर्ट की, कि भाई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एवरी चाइल्ड अलाइव, तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बात कहेगी कि इंडिया की रैंकिंग है Y31, मतलब इंडिया के अंदर 28 दिन से पहले जो बच्चे होते हैं ना, जैसे आज बच्चा पैदा हो और उसकी डेथ है वो 28 दिन से पहले हो जाती है, तो वो होते हैं मतलब शिशु मृत्यु दर में काउंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि शिशु मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि जो बच्चा जन्म के 28 दिन के अंदर अंदर अगर मर जाता है तो वो एक्चुअली न्यूनतम मोर्टिलिटी रेट में काउंट होता है, और ये पर 1000 के ऊपर कैलकुलेट होती है, जैसे कि मातृत्व मृत्यु दर है वो पर 1 लाख पे काउंट होती है, उसी प्रकार ये शिशु मृत्यु दर है ये मेनली पर 1000 पे काउंट होती है। तो ये दो तीन चीजें हमें बेसिक बताना चाहिए। इंडिया की रैंकिंग है वो Y31, मतलब इंडिया के नीचे 30 कंट्री और भी है, तो देखो राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, इंडिया को काफी सारे स्टेप उठाने होंगे,
इंडिया की जो इंडिया में सबसे ज्यादा बात है हेल्थ के सेक्टर पे फोकस नहीं किया जा रहा है, इससे के साथ ही और भी सारे स्टेप उठाने हैं। तो फिर यहाँ पे राइट टेक सबसे आश्चर्यजनक बात उठा रहे हैं, वो ये उठा रहे हैं कि भाई इंडिया की रैंक का वो 31st है, कोई बात नहीं है, बट सबसे खतरनाक और जो बात है वो ये है कि इंडिया में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं और फिर वो जल्दी एक्सपायर हो, तो वो काफी खतरनाक है कि हमें बर्थ रेट है उस पर कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हमें काफी सारे स्टेप उठाने होंगे। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि देखो जो काफी डेवलप कंट्री है वहां पे मतलब जो न्यूटल मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी रेट काफी ज्यादा देखा जाए तो। और कई जगह तो ऐसे हैं कि जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ही रेट है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है। तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है श्रीलंका, यूक्रेन और यूएसए का, कि देखो श्रीलंका और यूक्रेन है उसमें जो रेट है वो है 5 है, मतलब उसकी रेट है वो 5 आई है, जबकि यूएसए की रेट है वो आई है 3.5। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे एक चीज का पता ये चल रहा है कि भाई देखो यूएसए तो काफी डेवलप है और श्रीलंका और यूक्रेन तो इसके मामले में कुछ नहीं है, बट फिर भी उनकी रैंक वो ठीक ठाक है। तो मतलब एक बात ये सामने आ गई है कि भाई ज्यादा पैसे खर्च करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, मतलब हमें इस चीज पे फोकस करना होगा, हमें एक तो पॉलिटिकल विल है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, ज्यादा पैसा खर्च करने से रिजल्ट नहीं आने वाला है, हमें ज्यादा पॉलिटिकल विल का मतलब यह है यहाँ पे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, इसमें राजनीति नहीं करनी है और अच्छे ढंग से स्टेप उठाने हैं। जिस प्रकार कौन कौन से स्टेप उठाने हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप उठाने वो उठाने की सबसे पहले तो हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ना उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे काफी ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। खैर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, काफी सारी स्कीम लेके आ रही है, जननी सुरक्षा योजना वगैरह, बट उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसी के साथ प्रॉपर हेल्थ है उसमें काफी कमी रहती है, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम नहीं है, मेडिसिन वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है कई बार, और कई बार ये होता है कि बच्चा जन्मता है तो उस टाइम पे उनको मेडिसिन वगैरह की जरूरत होती है तो मेडिसिन प्रोवाइड वो नहीं करवाई जाती है। और फिर एक आश्चर्यजनक बात आती है इंडिया के लिए कि भाई कुछ मामले ऐसे भी है जहाँ पे इंडिया को थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब 2-4 रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। ये देखो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे ज्यादा खर्चा नहीं होता है, हेल्थ वगैरह के लिए जो सस्ती मेडिसिन है वो तो इजीली मिल जाती है, बट जो कुछ थोड़े बहुत खर्चे करने वाली बात है वो एक तो है कि प्री मेच्योर बेबी वाले, प्री मेच्योर बेबी का मतलब ये होता है कि वो बच्चा जो 37 वीक से पहले ही मतलब पैदा हो जाता है, उसकी बर्थ है वो हो जाती है, वो प्री मेच्योर बेबी में काउंट आता है, तो उस टाइम पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है क्योंकि उसके लिए कभी वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत होती है, काफी सारी उसको मेडिसिन हैवी मेडिसिन चाहिए होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। और सबसे ज्यादा बात है कि रूरल एरिया पे भी गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, क्योंकि रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उस पर गवर्नमेंट फोकस नहीं करे, तो वहां पे गवर्नमेंट को स्टेप उठाना होगा। और इसके बाद में बात आती है, वो आती है एक्सपाइक्सा के बारे में। एक्सपाइक्सा का मतलब ये होता है कि ये बच्चों में एक डिजीज होती है, एक तरीके से डिजीज तो आप इसे नहीं बोल सकते कि मतलब जब बच्चे स्टार्टिंग में पैदा होते हैं उस टाइम पे उनके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती कई बार, तो उस कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी काफी सारे गवर्नमेंट को थोड़े स्टेप उठाने होंगे, मतलब मेन बात ये है कि इस मामले में गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा खर्च करना होगा इन 2-3 पॉइंट्स में, बाकी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वाला पॉइंट है यहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगी तो भी काम हो जाएगा, बस एक पॉलिटिकल विल है उसकी जरूरत है। फिर देखो यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल और दिया गया, वो दिया गया रवांडा का। आपको पता है कि रवांडा की हालत तो कितनी खराब है, रवांडा की जो मतलब शिशु मृत्यु दर है वो 1990 के अंदर थी वो थी 41, सॉरी मतलब वहां पे पर 1000 में 41 बच्चे डेथ हो रहे थे, वो है 1990 की रेट, बट अगर वहीं इस साल की देखा जाए तो वो है 16.5। जबकि आपको पता है कि रवांडा में तो पैसा ही नहीं है, मतलब इतना ज्यादा फंड है नहीं वहां पे, बट फिर भी वहां की रेट काफी अच्छी है। तो एक चीज साफ ये हो गई इन 2-3 एग्जाम्पल से कि भाई इंडिया को स्टेप बहुत अच्छे उठाने होंगे और इंडिया को टाइम पे ही सचेत हो जाना है। अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया है वो 20 मामले और डिले करता रहे, क्योंकि अभी हमारे देश में काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो शिशु मृत्यु दर है उसको भी हमें कंट्रोल है वो करना होगा। तो ये 2-3 पॉइंट दिए गए, इसके साथ एक दो पॉइंट यहाँ पे दिए गए जो गवर्नमेंट और उठा सकती है मतलब पॉलिटिकल विल के तहत ही, कि देखो जननी सुरक्षा योजना के तहत गवर्नमेंट को और सारे स्टेप उठाने होंगे। सबसे पहली बात होगी अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करना होगा, और इसका विस्तार है जननी सुरक्षा योजना स्कीम का वो यूपी एमपी बिहार वाले एरिया में ज्यादा करना होगा, ताकि यहाँ पे जो शिशु मृत्यु है उसको कंट्रोल किया जाए। इसके बाद में बात आती है कि एजुकेशन पे, देखो एजुकेशन का कनेक्शन ऐसा होता है अगर फीमेल को ज्यादा मतलब फीमेल लिटरेसी की बात आती है यहाँ पे मेनली, कि अगर फीमेल को ज्यादा एजुकेटेड किया जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो सारी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी अवेयर होगी, तो उस कंडीशन में वो अपने बच्चे की हेल्थ है उसके बारे में ज्यादा सिक्योर रहेगी, अपने बच्चे की हेल्थ को ज्यादा मॉनिटर कर सकेगी। तो अगर फीमेल की लिटरेसी ज्यादा अच्छी होती है तो उसका रिजल्ट साफ साफ बच्चे की हेल्थ पे भी देखा जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल देखा गया केरला और तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में फीमेल लिटरेसी रेट है वो काफी अच्छी है, इसलिए वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी काफी अच्छी होती है और बच्चों की हेल्थ वगैरह वो भी अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पे माताएं उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आराम से जहाँ भी लैपटॉप वगैरह कहीं से भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेती है। अगर लिटरेसी नहीं होगी तो इस कंडीशन में उनको लॉस हो जाएगा। तो ये 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए। ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया और इंडिया के पड़ोसी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में बात करते हैं, पड़ोसी देशों के रिलेशंस की बात है। तो इसमें देखो राइटर 2-3 पॉइंट्स ये बता रहे हैं।
मेनली तो इसमें अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो राइटर सबसे पहले ये कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, इंडिया है वो स्टार्टिंग से दो ही चीजों पे फोकस कर रहा है, मतलब इंडिया एक ही दो ही नाम ले रहा है, सबसे पहले चाइना, दूसरा पाकिस्तान। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना और पाकिस्तान का ही नाम लेता है, उन्हीं पे फोकस करता है, बाकी सारी कंट्री को तवज्जो नहीं देता है। बात आती है नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन कंट्रीज पे क्या कि इंडिया एक तरीके से फोकस नहीं करता, मतलब इनको तो छोटी मोटी कंट्री मान के यही समझ जाए कि तो अपनी ही है, छोटे मोटे इनको तो हम देख लेंगे, बस चाइना और पाकिस्तान के लिए तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो हमारा मॉडल है ना वो ठीक नहीं है, मतलब राइटर कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज की इस आर्टिकल में अच्छे तरीके से। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया है ना वो केवल सिक्किम मॉडल की तरफ फोकस कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिक्किम मॉडल क्या है, मतलब कि सिक्किम को फिर इंडिया का पार्ट बना लिया गया था, तो चाइना ये चाह रहा है कि भाई अपने इंडिया सॉरी ये चाह रहा है कि अपने जो पड़ोसी देश है इनको ही इंडिया का पार्ट बना दिया जाए, इसलिए इंडिया बिग ब्रदर का रवैया वगैरह अपनाता है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे बात आती है कि भाई किस तरीके से इंडिया वो सिक्किम मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे राइटर वो कह रहे हैं कि मालदीप के जो रूलर है ना इनको इंडिया अपनी जागीरदार की तरह ट्रीट करता है, मतलब ये नहीं समझता कि भाई मालदीप एक सोवरेन कंट्री है, वो अपनी एक स्वतंत्र कंट्री है, उसके अंदर रिलेशन ढंग से इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता है। इंडिया सोचता है कि भाई वो तो अपनी जागीर है, उनको तो अपन जो कहेंगे वो मान लेंगे, जो कि काफी गलत है, कि उन कंट्री की भी अपनी सॉवरेनिटी है, तो अगर उनकी सॉवरेनिटी का इशू होता है तो उन्हें भी बुरा लगता है ना, तो इसलिए इंडिया को अप्रोच काफी अच्छी लेके चलनी होगी। इसी के साथ बात ही आती है, राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया क्या क्या स्टेप उठा सकता है, तो वो राइटर के द्वारा हम दो तीन पॉइंट देख लेते हैं। राइटर ये कह रहे हैं कि भाई साउथ एशिया है उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात देखा जाए तो धर्म के मामले में, जाति के मामले में, और धर्म के मामले आपको पता है कि भारत तो काफी आगे है, तो इंडिया को इस चीज पे फोकस करना चाहिए, मतलब धर्म वाले मामले को इंडिया को आगे लेकर आना चाहिए, और इंडिया को इस मेथड को यूज करते हुए अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन है वो इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि नेपाल के में भी इंडियन धर्म ही है सेम, और बात की जाए मालदीप में भी, तो मालदीप में भी मुस्लिम लोग हैं, इंडिया में भी मुस्लिम है, इसी के साथ इंडिया की और जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, चाइना का भी आप एग्जाम्पल ले लो, श्रीलंका का भी देखो, श्रीलंका में भी काफी, मतलब इंडिया के धर्म का जो मामला है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इस मामले में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। और इंडिया को जो हर इंडिया ना हमेशा क्या करता है, राइटरी कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमेशा अपनी कंट्री को केवल पड़ोसी के सिक्योरिटी के मामले से देखता है, कि बस हाँ सिक्योरिटी के मामले में कोई नोसा नहीं है, बाकी और सारी नजरियों को देखता ही नहीं है। तो राइटरी कह रहे हैं कि इंडिया को और सारी डायमेंशन पर भी फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंडिया केवल एक ही डायमेंशन पर फोकस करे हुआ है सिक्योरिटी, इसके अलावा और डायमेंशन कौन सी हो सकती है, जैसे कि और डायमेंशन सबसे बड़ी बात है कि धर्म वाली बात आ गई, इसके साथ जाति वाली बात आ गई, इसके साथ कल्चरल रिलेशन आ गए, तो उन सारी चीजों पर भी फोकस है वो इंडिया कर सकता है। जैसे साउथ एशिया की बात आती है कि साउथ एशिया के अंदर अगर इंडिया धर्म वाला मॉडल यूज करता है कि भाई इंडिया का धर्म वो काफी सॉफ्ट है, इंडिया अपनी काफी लिबरल धर्म के मामले में जाना जाता है, तो वो सारे पॉइंट्स अगर इंडिया साउथ एशिया में यूज करता है तो इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होगा। अगली बात आती है बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो बॉर्डर डिस्प्यूट का सीन ऐसा है कि इंडिया को बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में थोड़ी हॉस्पिटलिटी है वो उसको यूज करना चाहिए, मतलब हॉस्पिटलिटी का जो मॉडल है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपस की जो लड़ाई है इसको खत्म करना चाहिए, इन सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो ये इसके द्वारा राइटर के द्वारा कुछ दो तीन पॉइंट दिए गए थे जो हम कहीं यूज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए भी हमारे पास पॉइंट है, फिर लास्ट में सोल्यूशन भी है, मतलब पहले तो थप्पड़ मार दिए फिर बाद में गाल चला दिया, तो वो वाली बात है। तो ये आप दो तीन पॉइंट आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल तो आज की डिस्कशन में इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको वेलकम यूपीएससी का जो पेज है और जो नीचे लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ वेबसाइट है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर देखो आपको कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप लोग के पता ही नहीं क्वेश्चन वगैरह कमेंट वगैरह में कुछ पूछते नहीं हो, तो प्लीज आप एटलीस्ट, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट एक आधा क्वेश्चन तो लिखा करो, आधा ही लिख लिया करो यार, और तो कुछ नहीं लिख सकते। तो खैर चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।